सब सुन रहा छी रेडियो जुन तारा 103.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्ते नमस्कार, अखन अपने सब सुन रहल छी रेडियो जून तारा 103.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम जनावाज आ जनावाज लके उपस्थित भ चुकल छी हम निरंजन तेना प्राविधिक और साथ दऽ रहल छथि प्राविधिक मित्र अर्जुन जी। तो श्रोता मित्री कार्यक्रम अपने सब सुन सकै छी प्रत्येक दिन सवेरे 7 बजे से लेके 8 बजे धरि हम सब किछु नया विषय वस्तु पर बहस के विषय बनबै छी और अपनहु सबके यदि कोई अपन विचार या सलाह सुझाव देबा के होय तो दऽ सकै छी। लेकिन हमर सबके स्टूडियो के नंबर रहल अछि 9806764100 और आजुक दिन हमरा सबके स्टूडियो में आने रहा सुवी के केंद्रीय पूर्व सचिव सरोज यादव जी उपस्थित छथि। अपने के स्वागत है कार्यक्रम जनावाज में। जी धन्यवाद संपूर्ण निरंजन जी लगायत रेडियो के प्राविधिक मित्र सब लगायत श्रोता सब में सुप्रभात नमस्कार। अखन जना कहल जाए तो नेपाल के जे परिस्थिति है राजनीतिक परिवर्तन के अपने एक युवा छी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ल छी जखन एक परिस्थिति गुजर रहल छै अवस्था गुजर रहल छै ई कते के हम अहाँ एक कोन ढंग से लड़ सकै छी? स्वाभाविक हिसाब से गणतंत्र के आंदोलन भेलै मधेश आंदोलन भेलै जनता के आशा अपेक्षा बहुत ज्यादा रहे आशा अपेक्षा अनुसार के काम सब जे जनता सोचले रहे चाहे अपेक्षा कैले रहे से पूरा न हो रहले लेकिन निराश होय के ठाउँ भी मतलब हम ओते ज्यादा जनता के निराश होय के युवा के निराश होय के ऊ अवस्था न देखे छी कारण स्वाभाविक ही एकटा चाहिँ निरंकुश राज संस्था जे मतलब जन्म होइते मात्र राजा होय के युवराज होय के परम्परा के तोड़ के कम से कम जनता के मतलब बेटा बेटी अइ देश के राष्ट्रपति होय के प्रधानमंत्री होय के ई परम्परा त अलै न देश में संघीयता अलै आइ हमरा अहाँ के चाहिँ स्थानीय निकाय में स्थानीय सरकार बनलै वडा नगर लगायत के प्रदेश सरकार बनलै अब अइ के कुछ व्यवस्थित करे के कुछ मतलब जनपक्षीय बनाबे के जन उत्तरदायी बनाबे के ई दायित्व हमरे अहाँ के है। कते बरस के अवधि लगते एक सौ के व्यवस्थित करे के लेल पूरे जनता के मांग अनुसार के सुनिश्चित करे के लेल? जाले तक जनता सचेत न होते जागरूक न होते जनता दबाव सृजना न करते समाज तो समाज के समाज विज्ञान के नियमे की है अहाँ के परिवर्तन के लागि तो संघर्ष करे पड़त सचेत बनाए पड़त जनता के न तो जेहन चल रहा है तही हिसाब से जाहि छै ओहिके लागि विद्रोह ओहिके लागि संघर्ष ओहिके लागि जागरूकता सचेतनता ये संपूर्ण जरूरी। सरोजी जना अपने कहनो कि संघर्ष जे आकांक्षा रहै छै ओकरे संघर्ष करे पड़ै छै लेकिन सब दिन राजनीतिक ही संघर्ष कैला से तऽ सेहो आकांक्षा पूरा नहि होती किछु तऽ अपने के आर्थिक संघर्ष आर्थिक क्रांति सेहो लेनाइ जरूरी छै। मुख्य चीज आर्थिक क्रांति है आर्थिक समृद्धि है यदि आर्थिक समृद्धि नहि तऽ राजनीतिक परिवर्तन के कोनो अर्थे नहि राजनीतिक परिवर्तन कैला करै छै जे कि गरीब जनता निमुखा जनता श्रमिक सब किसान सब एकरा सबके जीवन स्तर में परिवर्तन आबै ओकरा सबके मतलब घास बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगारी लगायत के चीज में परिवर्तन आवे यदि ऊ चीज न परिवर्तन होले तो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन से कोनो अर्थ न रखे छै उद्योगो होइबो न करै छै टिकाउ न होइ छै। अपने के बुझा रहल छी कि जे जनयुद्ध में जनयुद्ध के बाद मधेश आंदोलन में जनता के जे एकटा अपेक्षा देखलकै जे एकटा सपना देखलकै जे जनता के अपेक्षा आकांक्षा रहे से पूरा होय में अखन तक भी बहुत कमी कमजोरी छै बहुत ज्यादा कहाँ से कमी कमजोरी कहाँ से भेलै अपने युवा छी राजनीतिक मुख्य त राजनीतिक दल के जे नेतृत्व में कमजोरी है एहिमे कोनो लुकाबे वाला छिपाबे वाला बाते नहि राजनीतिक दल के नेतृत्व यदि ईमानदार हो जाए जनपक्षीय हो जाए जनता प्रति से उत्तरदायी हो जाए तो बहुत ही समस्या के समाधान कैल जा सके एगो नेतृत्व मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सके लेकिन उस चीज के अभाव इच्छा शक्ति के अभाव चाहे मन में पुरातन सोच शैली सब मतलब सामंती संस्कार जो कहे छै हैकमबाजी संस्कार तानाशाही संस्कार ई संस्कार के कारण से पार्टी पार्टी में भी चाहे मतलब विभिन्न नेता सब में एकटा चाहिँ जे सूझबूझपूर्ण निर्णय करे के चाहे जनता प्रति से न हो रहा है। अपने बहुत ही निक बात कहनो कि
जे पहले जनता के अवस्था रहे, राजतंत्र रहे, सबके अंत क के गणतंत्र में एक परिणत भेले। लेकिन परिणत के बाद भी अपने और कुछ परिवर्तन भी देख में आबि रहल छे, जे नेता सबके भ्रष्टाचारी देखियो, करोड़ों के गाड़ी पर चढ़े के एक आकांक्षा देखियो, और उतना ही नहीं एक अपन चलवा चाटी या कार्यकर्ता के पालक के बाहर कोनो काज नहीं भ रहल छे अखन। ये दुर्भाग्य है, राजनीति पेशा भए गेल है, राजनीति व्यवसाय भए गेल है। और देश के बैक कर एकदम 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 राजनीति विशुद्ध मतलब जनता के सेवा पर समर्पित हो चाहे, त्याग आ निष्ठा के राजनीति हो चाहे, सिद्धांत आ विचार के राजनीति हो चाहे। समक्ष कोई मित्र अपन विचार लेके आबि गेल छी। जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आ राम प्रबोध जी। जी। आ की छे अपने के प्रश्न? हम रेडियो जून तारा से हम सब साथी के नमस्कार करै छियै। दू नंबर प्रदेश के जी जी नेपाल पिछड़ावर किसान संघ के ऑफिस संपर्क कर जाले जनकपुर के दुर्गा मंदिर तक संपर्क कर जाले रानीगंज दू नंबर प्रदेश के जी। अपने के प्रश्न की छे? दोसर बात हम अनुरोध करै छियै कि नेपाल पिछड़ावर किसान संघ के प्रदेश कमेटी जिला कमेटी पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है, ते लेल हम अनुरोध करब श्रोतागण से कृषि दादू भाई माई बहन से अपने सब इस संस्था में जुड़ करके अपना अधिकार के लागी जन चेतना काज कार्यक्रम अपना वार्ड से शुरू करवाओ, अपने एगो निवेदन लिख के वार्ड हाउस के दियो, कोरोना महामारी के चलते जन चेतना काज कार्यक्रम, कृषि के जन चेतना काज कार्यक्रम, जन स्वास्थ्य के जन चेतना काज कार्यक्रम, शिक्षा के जन चेतना काज कार्यक्रम, ई दहेज प्रथा के जातीय विभेद के हम जन चेतना काज कार्यक्रम करब, से सब वार्ड अध्यक्ष जी से नगरवासी से देशवासी से हम अपील है जे अपने जन चेतना काज कार्यक्रम के लागी अपना वार्ड में महिला दीदी बहनी के दादू भाई के कुछ रकम करके उनका चाय नाश्ता के व्यवस्था करके जन चेतना काज। चलो बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रबोध जी। राम प्रबोध जी जरूर अपने के अय विषय पर हम अपने के एक दिन जोड़ के ही अय के पूरा विस्तृत रूप में जानकारी लेब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ना कहल जाए तो राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ देश के भी अवस्था कहीं ना कहीं गंभीर अवस्था भ रहल छै। एमे युवा के राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ल युवा सब के कुछ अय पर जे आग्रहता होबा के चाहिए सेहो नहीं भ रहल छै। कहाँ छै कमी कमजोरी एकर? जे होबक चाही से न हो रहल है, विभिन्न कारण परिस्थिति तो हेबे करे, तेकरा बावजूद मतलब हम अहाँ निराश होके तो इस समस्या के समाधान न होते, युवा के तक जागरूक हो ही पड़ते, एकजुट हो ही पड़ते, संघर्ष करी पड़ते। कम से कम गणतंत्र ये विश्व में सबसे राजनीतिक व्यवस्था में सबसे उत्तम व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था तो गणतंत्र है, गणतांत्रिक व्यवस्था है। ओहू में नेपाल पहले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली में रहिए, आई संघीयता में जनता के अधिकार जनते के घर दैलो में मतलब लाबे के एक सफलता तो प्राप्त भेले। गणतंत्र के त राजनीति कर्मी सब धज्जिया उड़ाइ रहल छिन त ओहिके लागि चाहिँ निरन्तर खबरदारी आ संघर्ष जरूरी। हम अहाँ एक बेर सड़क में अयली, व्यवस्था परिवर्तन भए गेलै, व्यवस्था के नेतृत्व करे वाला यदि नेतृत्व सही न भेलै, भ्रष्ट भए गेलै, जनता प्रति उत्तरदायी न भेलै त हम अहाँ छोड़ देबै से बात न, खबरदारी त करे पड़त। कते ई त सब दिन करे पड़त अहाँके, कते एक बेर कैला से सब दिन पुग जाते से अवस्थे न है। नेतृत्व अहाँके गलत करैत रहै छै, आइ गलत करत, एगो निर्णय गलत करत, आइ खबरदारी करे पड़तै, बिहान करते बिहाने करे पड़ते, सब दिन करे पड़ते। कहियो काल की होइ छै मतलब सुस्त भए गेल नेतृत्व, गतिशील न भेल, परिवर्तन के लागि ओते मतलब युवा पुस्ता जै ढंग से सोचे छै, मानू विचार करू, अहूँ युवा छी, हमहूँ युवा छी, हमरा घर घर के चाहे हमर बाबू माई चाहे घर के मतलब बाबा दाई सब जै मानसिकता से है, पुरान मानसिकता से मानसिकता हमरा अहाँ में है, से बात तो न है, परिवर्तन हम अहाँ बेसी भेल छी, आउँदो पुस्ता ऐसे बेसी परिवर्तित रहते, आ चाहे परिवर्तन के अंगीकार करे के क्षमता जते नया पुस्ता रहे छै तैमे बेसी रहे छै, तो दिन प्रतिदिन हमरा अहाँ के संघर्ष करे पड़त परिवर्तन के। नया संविधान गणतंत्र त जनता गरीब भ गेलै, अपने के नेता और कार्यकर्ता त दिन 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 दुर्गुना रात चरगुना बढ़ रहा है, ओकर संपत्ति बढ़ रहा है, तो यो दिन तो अति सब संपत्ति के राष्ट्रीयकरण करके नेता जेल में न जाते से बुझाई अहाँ के।
उलाए पड़ते जे भ्रष्टाचार करे छे आई काल विगत में अहाँ के संपत्ति कते रहे आई अहाँ के संपत्ति कते हब कहाँ से ये संपत्ति अल संपत्ति के स्रोत की है ई चीज कोनो नेतृत्व तहती वह नेतृत्व लाए पड़ते जन दबाव सृजना करे पड़ते जे मतलब भ्रष्टाचार करके जते अकुत संपत्ति कमैले छे ऊ राष्ट्रीयकरण करके जेल में खोजे पड़ते नेता सबके चाहे स्थानीय से लेके केंद्र तक जना मधेश के कहल जाए तो मधेश के अनेक ढंग से मधेशी दल से भजा भजा के एक जनता के दुख पीड़ा दिल के अखन फिर अपने मधेश में देखित हो गई कि दो नंबर प्रदेश में भ्रष्टाचारी के चरम अवस्था में पुगल छे यही विडम्बना है कम से कम मधेश मधेशवादी अथवा मधेश मधेश कहते मात्र हम सब मधेशी छे यद्यपि राष्ट्रीय पार्टी में छे नेकपा के एक साधारण कार्यकर्ता छे मतलब संघीयता लाभे के पछाड़ी मधेशवादी दल के बहुत बड़का योगदान भूमिका रहे मधेश आंदोलन मधेश विद्रोह के बहुत बड़का भूमिका रहे ऊ जब देश में चल रहा है संघीयता की केना जोगान आए संघीयता वास्तव में जनता के हाँ संघीयता के लिए ये लड़ले आई संघीयता आल तो ये बढ़िया भले से महसूस हो पड़े ना अब संघीयता के बदनाम होने गरी बिहान जनता घर घर से कह लगे कि संघीयता काम न है ऐसे बढ़िया मतलब एकात्मक प्रणाली रह गंभीर हो पड़े जे नेता सब आई प्रदेश में मुख्यमंत्री छी मंत्री छी मतलब प्रदेश के बढ़िया से न चला रहा छी जनता के साथ साथ गो प्रदेश राज्य के व्यवहार बढ़ रहा है लेकिन जनता के उन्नति न हो रहा है प्रगति न हो रहा है विकास न हो रहा है तो जनता सब बिहान विद्रोह में आवे से पहले अहाँ सचेत हो जाओ कि यदि संघीयता बढ़िया है तो बढ़िया से कार्यान्वयन करे पड़े इतना विनम्रता है कि वन मंत्री है या वन के कहाँ कहाँ दोहन भ रहा है वन कहाँ कहाँ अपने के कब्जा भ रहा है घर बन रहा है कुटी मठ मंदिर के नाम पर ओहो ऐ मंत्री के थाह नहीं है तो मंत्री कौन काम के चासो राखे पड़े चिंता राखे पड़े मंत्री पद के गरिमा की है वही गरिमा के कायम करे पड़े अध्ययन करे पड़े अनुसंधान करे पड़े विज्ञ सबके सलाह सुझाव लेवे पड़े अब ई मंत्री बन गए अपन जवाबदेहिता न है अपन ईमानदारिता न है उत्तरदायित्व न है तो वैसे तो हमारे यहाँ के मतलब विडम्बनापूर्ण अवस्था है अमे संघर्ष जरूरी है अपने संहिता के बात कहूँ संहिता के जब प्रदेश के जहाँ जहाँ बजट देखते हो बजट के कोई मापदंड नहीं है कहाँ रोड बनावे के कहाँ तटबंध बनावे के स्थानीय सरकार से कोई समन्वय नहीं है अही के लागी तो यदि संघीय अपने ही के औरी नगर पालिका में जो सिरीपुर में एक तटबंध बनल है वही थाने सरकार के कोई समन्वय नहीं है वही में जे ठाम होब के चाहिए बालू के बना दल के जगह कोई महत्वपूर्ण नहीं भेले ई भ्रष्टाचार केंद्रित अपन निर्वाचन क्षेत्र केंद्रित अपन मतलब पार्टी के विचार जोड़े मतलब आबद्ध कार्यकर्ता केंद्रित विकास जो हो रहा है ये दिगो होबे न करते ऐसे जनता में वितृष्णा होते कम से कम जनता में वितृष्णा ना आवे विकास बनिया समुचित विकास होए समन्यायिक विकास होए वही के लिए सचेत यदि न हो तो बिहान मतलब जे अब मुलुक में संघीयता न चाहत रही तक कह के ठाव मिल जाते जैसे संघीयता खारिज करूँ संघीयता मतलब राज्य के व्यवहार बढ़ा रहा है संघीयता भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है संघीयता में अनावश्यक मतलब विभिन्न किसिम के समस्या सृजना हो रहा है तो वही विषय वस्तु के मलजल होने गरी वही शक्ति के मतलब और बल पुग्ने गरी काम न करूँ से आग्रह करे पड़ते दबाव सृजना करे पड़ते सबसे मुख्य चीज तो है जिन्हें कहा जाए तो अपने के शिक्षा प्रति कैसन विकास होबा के चाहिए देश में जो शिक्षा के लिए भी एक बहुत विनम्र चाहिए शिक्षा जो होबा के चाहिए देश के कहे तीन टा अंग बढ़िया रहे तो सब कुछ का आमदनी बढ़िया भाई शिक्षा स्वास्थ्य और थर्ड नंबर में अपने के आर्थिक अवस्था के भी सोचल जाए लेकिन एन त स्वास्थ्य बढ़िया छे न शिक्षा बढ़िया छे शिक्षा तो स्वाभाविक हिसाब से राष्ट्र विकास के चाहे जनता के उन्नति प्रगति के महत्वपूर्ण अंग शिक्षा है लेकिन शिक्षा प्रति जे जागरूकता ये चाहे अपने के कह पड़ते कि सबसे बेसी मधेश पहले रही शिक्षा के केन्द्र रहा हम यहाँ जनकपुर के अवस्था देखियो मतलब पहाड़ से ओखलडुंगा खोटांग उदयपुर लगायत के जिला से सिंधुली रामेछाप दोलखा लगायत के जिला से जनकपुर के राराबो कैंपस में पढ़े आए वाला अवस्था रहे तेने महेंद्र मोरंग कैंपस विराटनगर राजविराज महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस ठाकुराम कैंपस वीरगंज लगायत के शिक्षा के केन्द्र जे रहा से तई केन्द्र में आई शिक्षा ध्वस्त हो गए
धाराशायी भए गेलै अहिले अब चाहिँ राज्य उदासीन भए गेलै मुख्य कारण त राज्यके जे समुचित ध्यान देबेक चाहिँ से राज्य नदेलकै अहिलेके जे सरकारवाला पक्ष भए अहिलेके शिक्षा प्रेमी सब भए अहिलेके बुद्धिजीवी सब भए अहिलेके राजनीतिक दल सब भए राजनीतिक कर्मी सब भए समाजसेवी सब भए युवा सब भए यी सबैके अपन अपन कमजोरी भेले ओहोमे जिम्मेवारी लेबे पड़ले एकरा सुधार करेके लागि भी अग्रसर आबे पड़ले यदि शिक्षामे सुधार न होतै त बाँकी हरेक चीज ध्वस्त होय वाला एकरा सुधार करेके लेल सिर्फ सरकार वाला के ही पर काम करे पड़ती कि और युवा संस्था छै कि छै सन जेना अपने एकटा क्लब से भी जुड़ल छियै एहन संस्था सबके भी केहन भूमिका हरेक पक्ष हरेक पक्ष के सकारात्मक योगदान देना अखन देखियो अपने के शिक्षा मंत्रालय से कोई ऐसा ठोस निर्देशन नहीं आबि रहल छै स्कूल खोल के कि बंद कर के आइ की छै अभी छै काल की छै अभी छै अन्योल ग्रस्त अवस्था में जबकि समुचित व्यवस्था क के विद्यार्थी के सब दिन अहाँ लॉकडाउन में रखबे ओकर शिक्षा ध्वस्त कर देवे से बात तो न है एक जे जे सतर्कता है स्वास्थ्य सतर्कता बाजार में भीड़ लगे से स्कूल बंद कैले है ऊ अभिभावक चाहिँ बजारमा एकदम भिडभाड कोनो चाहिँ मतलब सामाजिक दूरी नहै कोनो चाहिँ मास्कके प्रयोग नहै सेनिटाइजरके प्रयोग नहै ऊ बजारमे अबै छै किनमेल करै छै घरमे जाइ छै बच्चा जोडी रहै छै आ ऊ बच्चा स्कूल जाइ नपबै छै ई कमसे कम एहन चीज सबमे स्थानीय सरकार सब है नगरपालिका है इहो सब एकटा चाहिँ भौतिक दूरी कायम कऽ के स्कूल के मतलब एकटा व्यवस्थित तरीका से आब शिक्षामे मतलब सब दिन लॉकडाउन कोरोना जोरे जाए पड़ते कि अब ओहिमे सतर्कता नवित अगाडि बढे पड़ते अब ऐसे घर में मात्र बैठ के तो समस्या के समाधान न होते अपने कहनो कि कोनो सामाजिक दूरी कायम कर के शिक्षा संचालन करे के चाहिए लेकिन स्थानीय सरकार हो या प्रदेश सरकार संघ सरकार रोड पर ही बेसी ध्यान किया दै छै हमरा के सबसे पहले विगत के पीड़ा मतलब थाल में चले वाला पीड़ा नदी में बाढ़ रहल तब मतलब नहेले वाला अवस्था ई पीड़ा के चलते विकास के अर्थे बुझ गेली चाहिँ सड़क है अनि सड़क से ही शिक्षा त नै प्राप्त न होते जबकि प्रमुख चीज शिक्षा है यद्यपि सड़क तो हेबे करे भौतिक पूर्वाधार तो हेबे करे भौतिक पूर्वाधार संगसंगे मतलब शिक्षा के प्रमुख प्राथमिकता स्वास्थ्य के प्रमुख प्राथमिकता लगायत के चीज में केन्द्रित होय पड़ले नेता सब मंच पर भाषण किछु कर लै छै लेकिन लागू कार्यान्वयन कुछ भी नहीं होइ छै जेना कि अपने के दिन औढ़ी में नमूना स्कूल के जे भवन के उद्घाटन समारोह में मंत्री जी कहलखिन कि जे इंजीनियर पढ़ रहल छै जे टेक्निकल पढ़ रहल छै ओकर प्रयोगशाला ओकर प्रैक्टिकल के लेल वही के ओरी पोरी वैसन प्रधान बनाबे पड़लै एहि पर की कहा चाहबै अपने कैसन प्रधान हो पड़लै जेना कि अब कोई टेक्निकल कर रहल छै ओकर औद्योगिक क्षेत्र बने पड़लै लेकिन ये नेता सब तो खाई अपन गाड़ी करोड़ों के गाड़ी लाखों के क्वार्टर भाड़ा घीचे माने खाई से फुर्सत नहीं छै तो केना के विकास करते शिक्षा नैतिक होय पड़लै शिक्षा व्यवहार में प्रयोग होय वाला व्यवहार उपयोगी होय पड़लै शिक्षा प्राविधिक होय पड़लै जे हाथ में शिप देवे वही शिप से बिहान रोजगारी प्राप्त होय तो मतलब शिक्षा के जे है शिक्षा के लागि चाहे मानव सभ्यता के मानव जीवन के परिवर्तन के लागि ना शिक्षा चाहे शैक्षिक मतलब वातावरण चाहे तो सबसे पहले नैतिक आचरण बान आदमी यदि निर्माण न कर सकल कि वहाँ शिक्षा के कौन जरूरी जे शिक्षा से मतलब श्रम करे के शिप मतलब आर्जन करे के अथी न वातावरण न बनले तो मतलब वो शिक्षा के अर्थे न है तो के चलते हम सब की कहे छे शिक्षा जीवन उपयोगी होय पड़े जे जीवन में काम लागे शिक्षा व्यवहारिक होय पड़े जे मतलब व्यवहार बुझे सके पड़ली वही शिक्षा से शिक्षा शिप देवे जैसे रोजगारी मिले शिक्षा समृद्धि के आधार हो पड़े तो वही में केंद्रित करके विशेष करके प्राविधिक शिक्षा में राज्य के बेसी जोड़ देवे पड़े चाहे मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा से लेके विद्यालय शिक्षा तक विद्यालय शिक्षा में भी प्राविधिक शिक्षा के महत्व आवश्यकता के बारे में जोड़ देवे पड़े विश्वविद्यालय शिक्षा में भी प्राविधिक शिक्षा के जोड़ देवे पड़े शिक्षा में जोड़ देवे के लिए जना कि अपने के औढ़ी के जे नमूना स्कूल के रूप में एकटा अपने के छनौट पड़ल छै तो एकटा स्कूल सार्वजनिक स्कूल नमूना मात्र किया देश के सभे स्कूल नमूना किया नै भ सकै छै मंत्री जी के ओहि दिन अपना हम सुनलिए जे कि ओहि अभियान में कम से कम अभी देश भर में 1000 गो विद्यालय के नमूना बना के तकरा बाद क्रमिक रूप में सभे विद्यालय के एगो विद्यालय बना देली ओहिसे त अहाँके दायित्व पूरा भए गेल से बात तो न है जते सामाजिक मतलब सामुदायिक विद्यालय सब है सरकारी विद्यालय सब है एकरा सबके स्तर उन्नति करित एकरा सबके नमूना बनाबित बिहान एहन अवस्था निर्माण करे पड़ले कि कोनो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ावे न जाए पड़े
सरकारी सामुदायिकमै पढाबेको लागि इन्ट्रान्स लेभे वाला चाहे भर्नाकी लागि चाहिँ एकदम लाइन लागे वाला अवस्था निर्माण हो त्यसके लागि असलजी अपने कहि रहल छी कि एक स्कूलमे हजार स्कूल सभी स्कूलके नमूना स्कूल बनाबेके एकटा अभियान होय पड़ले लेकिन स्कूलमे एकटा आओर अभियान चलि रहल छै जे टीचर सब पठन पाठन शिक्षण प्रति कम राजनीतिक प्रति बेसी झुकाव भ रहल छै एकर अपन दायित्व से विमुख होय वाला चाहे शिक्षक हो चाहे जे है समाज में जे है विमुख होय वाला सबके पर्दाफाश करे पड़ते संघर्ष करे पड़ते हम ओ के लागि अपने कह दिलिए औरी नगर पालिका में राजनीति मात्र न हम अहाँ पार्टी मात्र देखी छे राजनीति मात्र देखी छे बिहान की पबे नपबे तै के हिसाब किताब लेखा जोखा मात्र करै छै ओहिसे बेसी हरेक नगरपालिका में हम एकटा अभियान संचालन कर रहल छी औरी नगरपालिका में कि एक वाड़ा 15 युवा एहि हिसाब से 9 गो वाड़ा में 135 गो युवा सबके एकटा समूह निर्माण करेंगे उ समूह ओहि के शिक्षा में ओहि के स्वास्थ्य में ओहि के विकास में ओहि होय वाला भ्रष्टाचार में ओहि के मतलब कर्मचारी सबके ढीला सुस्ती अनियमितता शिक्षक सबके लापरवाही कहाँ कहाँ की समस्या है तो इस समस्या में मतलब विशुद्ध गैर राजनीतिक हिसाब से सामूहिक हिसाब से स्वतंत्र ढंग से अगाड़ी बढ़े पड़े कहीं के हम सब एक समूह गठन के अभियान में छे बहुते वड़ा में समूह गठन भ गेल है सामान्य अपने के पीड़ा होत करोड़ों के बजट है 6 महीना से कोनो गली सब में मतलब थाल है रात में चाहिँ साँप किरा सब निकले छै बच्चा सब ओहि थाल में चले वाला पानी में मतलब चले वाला बाध्यता सब हम सब देखलिए तो एहन चीज के अब मुँह तो किसी खाली मतलब वड़ा कार्यालय कह देते नगरपालिका कह देते ठीक है नगरपालिका के दबाव देवे पड़ते यदि नैतिक बान चाहे जिम्मेवार पदाधिकारी रहते मेयर उपमेयर सब रहते जे जनता प्रति रात दिन 24 घंटा चाहे सोचे वाला रहते तो ये चीज ओते समस्या न होते यदि न है तो हम अहाँ के अग्रसर हो पड़ते सामाजिक दायित्व तो हम अहाँ के है बहुते गल्ली सब हम सब स्वयं युवा सबके कहलिए अहाँ सब अगाड़ी बढ़ू समूह निर्माण करू जहाँ जहाँ जते मतलब बालुआ चाहे कि चाहे केहन सहयोग करे पड़ते सामूहिक हिसाब से हम सब अथी करै छै तो हरेक नगरपालिका में एकटा दबाव समूह सृजना करना जरूरी है आई हम अहाँ यदि डेरा गेलिए कहो भ्रष्टाचार हो रहा है कहे जबी तो हम सब कहबी तो हमरा सब बिहान नेगेटिव दबाव आयत कि चाहिँ ओहि दबाव से डेरा जबे तब तो समस्या अपने अखन एकटा समूह गठन कर जा रहा छी अब चुनाव के प्रक्रिया सेहो अब करीब आबि रहल छी अब अपने के एक डेढ़ बरस एक बरस कार्य अभी रहते 6 महीना के बाद चुनाव भ जेतै यानी कि मोटामोटी डेढ़ बरस बाकी छी तो चुनाव में अपन किछ चर्चा प्रचर्चा के लेल कर जा रहल छी कि सच में समाज विकास के लेल देखियो एकटा से मेयर होनाय इतिहास रचनाय न है हमरा राजनीति इहे एकटा फरक बुझाइ गेलै कि एहि देश में गणेश मान सिंह कहियो प्रधानमंत्री न भेलै एहि देश में गणेश मान सिंह चाहे राजनीतिक क्षेत्र में तखन ओहे मानसिकता भ गेल छी कि हम परिवर्तन करे पड़ती गणेश मान सिंह लौ पुरुष जेकरा कहै छी नेपाली कांग्रेस के संस्थापक नेता ओहि देश के कहियो प्रधानमंत्री न भेलै लेकिन लोकतंत्र के लागि जे लड़ाई लड़ले रहे गणेश मान सिंह कांग्रेस के जते भी नेता है तो सब में मतलब शीर्ष स्थान में जनता के नजर में एक उच्च सम्मान के साथ गणेश मान सिंह के नाम लेल जाए छे मदन भंडारी नेकपा के महासचिव नरेन्द्रन सिंह गजेन्द्र नारायण सिंह मतलब मदन भंडारी अपने के कहियो ये देश के मंत्री प्रधानमंत्री न भेले लेकिन नेकपा के जते नेता है जीवित आ चाहे मतलब दिगंबर सभी नेता में सबसे उच्च श्रद्धा सम्मान के साथ ले वाला नाम है मदन भंडारी तेकरा बाद मनमोहन अधिकारी 5 वर्ष 10 वर्ष मतलब चाहे 5 बेर प्रधानमंत्री न भेल जम्मा 2051 साल में सबसे लार्जेस्ट पार्टी के हैसियत में मनमोहन अधिकारी के सरकार बनले 9 महीना मात्र शासन सत्ता संचालन कर सकलक है प्लेन दुर्घटना में चाहे हॉस्पिटल के बेड में टीचिंग अस्पताल में रहे तहिया तो मतलब सत्ता के खेल के राजीनामा मांगलक मनमोहन अधिकारी के लेकिन उ 51 साल के सरकार 9 महीने मनमोहन के सरकार जैमें वृद्ध भत्ता लगाए थे बहुत ही सामाजिक सुरक्षा के काम सब कल के आई हरेक मतलब वृद्ध वृद्धा सब मनमोहन अधिकारी के समझे छे तेके चलते हम की प्राप्त कैली कै बेर प्रधानमंत्री अभी जीवित प्रधानमंत्री सब 5-5 बेर भेल है लेकिन जनता ओकरा घृणा के नजर से देखी छे लेकिन कहियो सत्ता में ना आयल इंडिया में देखियो अपने के महात्मा गांधी के कहियो नाम सुनले छी प्रधानमंत्री के हैसियत में
जब राजनीति के एक निष्ठा के रूप में जोड़े पड़े, राजनीति के एक विचार सिद्धांत के आ सेवा के रूप में जोड़े पड़े, हम मेयर भे गए तो की प्राप्त हो जाते, एहन मेयर तो स्वयं मेयर बनते, अहाँ भ्रष्टाचारी मेयर भे गए, अहाँ अकूत संपत्ति कमाए वाला मतलब एक जनप्रतिनिधि भे गए, अहाँ के जनता सम्मान न करत, घृणा करत, मतलब अहाँ शक्ति के अभ्यास के लिए वो महत्वपूर्ण चीज न है। जहाँ तक हमार बात के लिए सस्तों लोकप्रियता के राजनीति में निष्ठापूर्वक राजनीति के निरंतर लागल से 20 वर्ष भे गए, हम कैंपस में इंजीनियरिंग कैंपस पोखरा में 2 बेर सोभियो निर्वाचित भेली, सबसे बेसी मत लिया के मतलब वही चुनाव जीतले, वही तो मधेश पहाड़ के बात न रहे, मधेशियो विद्यार्थी सब रहे, देश के हरेक जिला से आयल विद्यार्थी रहे, 2 गो चुनाव में मतलब अनुराग सोभियो के तरफ से सबसे अत्यधिक मत ला के हम सचिव निर्वाचित भेली। आइ तक लागल से आई देखबे हमारा यहाँ के संस्कार एम्हर केहन भे गए, एगो पार्टी में लागल से टिकट न दिलक फटाक से दोसर दोसर पार्टी परिवर्तन कर ली, चाहे जै पार्टी में हमर स्वार्थ पूरा हो, तो मतलब ई तो की भे गेलै, न विचार है, न सिद्धांत है, न जनता प्रति उत्तरदायी है, कि फरक पड़ते चाहे हम 20 वर्ष हम मेयर न होबे, वैसे चाहे हम प्रदेश सांसद न होबे, एक व्यक्ति की पद प्राप्त करते न करते वो महत्वपूर्ण चीज है, समाज की प्राप्त करते हुए व्यक्ति से न महत्वपूर्ण चीज है। नेपाल के इतिहास में ही एक कहल जाए तो सबसे पुरान राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ल अपने ही के गांव के नेता के रूप में मानल जाए शरद सिंह भंडारी जे उनकर भी एक इतिहास के रूप में ही एक पहचान कल जाए, लेकिन सबसे पुरान मोहतरी जिला के भी एक बाजार के रूप में और ही बाजार के मानल जाए, लेकिन अखन तक यथावत छे कोई परिवर्तन नहीं छे बाजार में, अपने युवा छी कहाँ से कोई कमी कमजोरी फैक्ट देखियो। स्वाभाविक हिसाब से जो पुरान नेतृत्व है कुछ गुण दोष हरेक व्यक्ति में होइ छे, हम व्यक्तिगत हिसाब से कोनो टीका टिप्पणी न करे चाहे छे, लेकिन जे अपेक्षा यदि आई नेतृत्व बढ़िया रहती भेल 10 बेर 12 बेर मंत्री भेला के बाद, यदि दूरदर्शिता रहते, यदि समाज प्रति जनता प्रति जवाबदेह उत्तरदायी रहते, तो शायद विकास बेसी भेल रहते, ये तो हरेक जनता कह रहा कि जते दिन से सत्ता में रही अपेक्षाकृत अहाँ विकास शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसे कि भौतिक पूर्वाधार निर्माण के क्षेत्र में, कोनो क्षेत्र में जनता एकदम खुशी होय वाला विकास देखे न पल्बे, ये विडम्बना है, ये कमजोरी भेले चाहे मंत्री जी के। तब और ही बाजार के विकास के लिए की करे पड़ते वही के युवा के वही की स्थानीय सरकार के, जो वास्तव में बहुत पुरान बाजार छे, वही बाजार के एक लोकप्रिय चौतरफी ढंग से जे एक होबा के चाहे जे विकास नहीं भेली करा के चाहिए। हम सब एकदम वही में चाहे स्कूल अंतर्गत है बाजार, हम सब व्यक्तिगत हिसाब से हम जब सहभागी हुई छे तब व्यापारी व्यवसायी सबके उन्नति प्रगति के लागि चाहिँ एकटा सोचे पड़े, ओकरा सबके हित होते तभी एकर उन्नति प्रगति होते, से एकटा पाटो है। कोनो व्यापारी कोनो अबै छै ओ ये व्यवसाय करै छै ओ असुरक्षित अपना के महसूस न करे, महत्वपूर्ण चीज से है। दोसर व्यापार के नाम पर अनाधिकृत व्यापार चाहे मतलब अवैध व्यापार सब सञ्चालन न होए, ओहिमे एकटा चाहिँ कड़ाई करना है। दोसर बात अब भौतिक पूर्वाधार तो इंजीनियर डीपीआर तैयार करते, वो ये कोई ढल बनावे के है, कोई नाला बनावे के है, कोई कोई ढलान करे के है, लेकिन विकास के पूर्वाधार अग्रिम तैयार तो इनके स्थानीय युवा या स्थानीय सरकार ही करते ना? जी वो तैयारी भे रहा है जना हम के प्रदेश जोड़े समन्वय हो, लेकिन अवरोध तो अपने के तरकारी बाजार रहे, जमीन निजीकरण भ गेलै, अब कोन ढंग से अपने सब करे, जमीन कहाँ से लबे हो? जमीन खरीद के प्रक्रिया भी अगाड़ी बढ़ रहा है अपने के से हम जनता एफएम से जानकारी कराए, लेकिन मुख्य चीज की है कि भौतिक पूर्वाधार आ जते आवश्यकता पड़ते से जमीन उ व्यवस्थापन कैल जा सकिए, ओके लागी सब गोरा के एकजुट होकर अगड़ी बढ़े पड़ते। दोसर बात की है कि हमरा हमें एकदम हमरा कोनो संकोच न लागि रहल, चाहे गौशाला हो, चाहे मतलब औरी बाजार हो, चाहे रामगोपालपुर हो, चाहे सबसे पुरान मतलब जलेश्वर सदर मुकाम हो, एक सर सफाई प्रति हम अहाँ के कोनो ध्यान ना है। जनता ई न बुझ रहा है अपन घर सफा रखे से घर के अगाड़ी के नाला में फोर दे दी है, कसल अहाँ कहब मतलब जन ठीक है आरोप लगाऊ कि जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाऊ सरकार पर आरोप लगाऊ। स्वाभाविक बात है, हम अपने के उदाहरण देना चाहे छी, अपने नाला बना दिली, कोई नाला के संरक्षण के करते, जनता करते कि स्थानीय सरकार करते? सभी चीज स्थानीय सरकार से संभव नहीं है, ना जे जे जहाँ से संभव है वही पर जवाबदेही बनाबे के लागि दबाव देनाई जरूरी है, हम वही पर कोनो मतलब अथी न करे छी जे कि जनप्रतिनिधि के न है, लेकिन जनता कम से कम
अपना घर के सरसफाई करी तो अपना घर के अगाड़ी के रोडों के सरसफाई करू न जथाभावी फोहर न फेकू न मतलब सब चीज जना हम को अपने के कहे छी बाजार में अपने के लोकला चाहब अपने कहनो कि जथाभावी फोहर नै फेकू एकर कोई ठाव में व्यवस्थित या सुरक्षित ठाव में फेकू जी खुला दिशा मुक्त घोषणा त भ गेल छी जी कहां टॉयलेट करबे खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा कल के कुछ अब चाहिँ अब ओइ के लागि घर घर में मतलब लाठी लेके चाहिँ नै अपने के बतावला चाहै छी अपने के ओही बाजार में खुला दिशा मुक्त घोषणा भेलै जी। लेकिन बाजार में गेले से जनता कहाँ टॉयलेट करते नदी में आगे करते कि टॉयलेट में आगे करते हुए साइड में तो नदी पड़ी सी हुई ई कमजोरी भेले लेकिन वो ये सार्वजनिक शौचालय बन रहा है अभी बन रहा है आप बन रहा आप बन रहा है लेकिन कहते हैं एक टा शौचालय से पूरा बाजार की अपने की बुझाई की कवरेज भ जाते ना ना आवश्यकता अनुसार शौचालय निर्माण करे में कोनो समस्या न है निर्माण करे पर हम वही पर पूर्वाधार के लागि हमर कोनो मतलब अइ पर ऑब्जेक्शन आब रही गेली कि हमरा हाके जे कमी कमजोरी जनता के कमी कमजोरी जनता महसूस करे परले जे कि सर सफाई करे के जथाभावी फोर न करे के हमर दायित्व है से जन चेतना के फैलाते दायित्व सबे गोरा के सामाजिक अभियंता सब के है युवा सब के है जन चेतना के लागि त अभियंता के जरूरी पड़ते स्वाभाविक है और अभियंता में त भौतिक लगायत आर्थिक के भी आवश्यकता पड़ी छी जी एकर व्यवस्थित स्थानीय सरकार या संघ सरकार या प्रदेश सरकार के ही करो पड़ते बहुत चीज हम अहाँ अपने कर सकते छे जनता जागरूक हो तो जनता विगत के स्कूल के बनल के सरकार बनल के कि जनता बनल के जनता बनैले मठ मंदिर विगत में के बनैले जनते बनैले जहिया सुनो हरेक मदेश में जितने संघ संस्था है जितने स्कूल है कॉलेज है मठ मंदिर है गुठी है जनता बनैले जनता के लगानी में बनल है जनता के श्रम से बनल है आई ऊ जनता सब कनका निष्क्रिय हो गए यद्यपि बजेट देखी से भ्रष्टाचार देखी से तो मतलब मन न लगे होते कि हम सब के लागि जाऊ करे ये सब खाई से भ्रष्टाचार करी से आ हम सब दिन निर्माण करी रहू लेकिन ऊ चीज न है कि जनता जागे जनलहर रखा है कि थोपा थोपा से समुद्र बने तो जनता कम से कम ठीक है प्रश्न उठाऊ संघीय सरकार पर उठाओ प्रदेश सरकार पर उठाओ चाहे भ्रष्टाचार करे स्थानीय सरकार की करे पड़ते संबंधित अख्तियार जाए पड़ते अदालत जाए पड़ते विरुद्ध में सड़क संघर्ष करे पड़ते सब कुछ करूँ लेकिन कम से कम हमर सबके दायित्व भ हमर टोल केना सफा रहते हमर गाँव केना सफा रहते हमर बाजार केना व्यवस्थित होते हमर पसल एकटा चाहे होटल में अहाँ प्रवेश करू मधेश के विडम्बना है यदि अइ के हम सार्वजनिक रूप से कह रहा तो बहुते नेगेटिव टिका टिप्पणी भी हो सके लेकिन एगो होटल में चिया पिए लगी जाऊ तो अहाँ के भाड़ा सफा न रहत चाहे किचन सफा न रहत पकावे वाला जे कुक है से सफा न रहत ओहो जाके नगरपालिका के उद्देश्य बात नहीं अपने ई दोष दे रहल छी इनके व्यवसायिक सबके लेकिन हम दोष दे छी देश के जे कानून छै कानून के लागू करे वाला वैसन निकाय सब के किया कि कानून तो छैन अपने के सर्वे करे के अनुगमन करे के कते बेर अनुगमन भ रहल छी होटल के व्यवसायिक सब के या कोनो व्यवसाय के कते बेर अनुगमन भ रहल छी राज्य ओते जवाब दे न है एहिमे हम सहमत छी अहाँ के विषय में एकदम सहमत छी हम मतलब बहस न करे चाहे छी लेकिन कम से कम अपन व्यवसाय अपने मन बढ़िया बनाबे के दायित्व तो है न एको गो मतलब वही चीज बर्दीवास में जाके देखियो पहाड़ी समुदाय सब में जाके देखियो तो सर सफाई में व्यक्तिगत हिसाब से भी बेसी ध्यान दे आ अपना सब में जन चेतना छी उठाम तो ई तो बढ़ावे पड़ल करे पड़ल हमर दायित्व की है से पहले हम निर्वाह करबे तेकर बाद संबंधित निकाय के हम बहुत ही निक बात कहनो के तुलना ओहि के तुलना ले लो अपने तो एक निर्वाचन अवस्था में चुनाव के अवस्था में अठाम के अवस्था ओठाम के अवस्था परिवर्तन रहै छै हमरा अहाँ के यन घर घर एक किलो मांस एक बोतल दारू पुंगा के वोट लै छी लेकिन शायद पहाड़ में ही नहीं छी इहे चीज सोचे तो हम पहले तो जे हम अहाँ प्रतिनिधि छी जेकर लीडरशिप कहे छी लीडरशिप ही हमरा अहाँ के की केले जन चेतना के भ्रष्ट कर देले छी युवा सब जागरूक हो पड़े हम अहाँ के कहे छी अभियो की विडम्बना है दिन भर ताश खेले के लागि 10 गो युवा बैठल रहत लेकिन एक दिन सरसफाई बेरोजगार छी न न ठीक है बेरोजगार छी अहाँ रोजगार आ स्वरोजगार के लागि की करे पड़ते ओहो हिसाब से अगाड़ी बढ़नाई जरूरी है कौन ढंग के सीजन करे पड़ले हम कह रहल छी ताश खेले के लागि ता दिन भर बैठ के ताश खेलत लेकिन कहबे जे चलू आई बाजार सफा करे के 10 गुरा मिल के ओ ओइ में न जाए कलागी हम जन चेतना नै छी मतलब ई चेतना भेला के बावजूदो हमर दायित्व है से महसूस न कर रहल है कि अहाँ कहे छी भ्रष्टाचार हो रहल है
बिहान मतलब वही के लिए हम अपने के शुरू में कहलिए कि हरेक वड़ा में 15 गो युवा सबके समूह बना रहा है बिहान मतलब जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है जैसे मतलब गलत किस्म के विकास हो रहा है विकास मतलब कमर्शियल खाल के हो रहा है वही कहबे चलो दबाव देवे के लिए तो सीधे कहत कि फलना तो राजनीति में लागल है राजनीतिक लाभ के लिए चाहे राजनीतिक पद प्राप्ति के लिए उजाते हमारा सबके कि मतलब हम अहाँ के घर के मतलब बाहुमाई खेती किसानी के जे राज्य के कर दे वही कर से बजट बन के अबे अहाँ के विकास के लिए यदि वहीमें भ्रष्टाचार हो अहाँ के रगत पसीना चुस रही से महसूस तो करे पड़े युवा सबके ये चीज युवा सब में कमी कमजोरी है हरेक गाँव के युवा हरेक टोल के युवा जागरूक हो के जनप्रतिनिधि के दबाव सृजना करे तो हमारा बुझाइए भ्रष्टाचार अपने कहो कि जनप्रतिनिधि के दबाव कला के बाद ये सिस्टम सुधर सके लेकिन जनप्रतिनिधि के अपन कर्तव्य तभी पालना करे पड़े हमारे कौन कर्मचारी नहीं आबि रहा है अखन एक पालिका नहीं हम ऐसा सैकड़ों पालिका देखा जैमे कर्मचारी नहीं रहें घर बैसल काज करी छी महत्वपूर्ण भूमिका अहाँ सब संचार माध्यम में छी ताहि के चलते युवो छी हम आग्रह करब भूमिका निर्वाह कर रहल छी वैचारिक बहस सब अभी तक समाज में सुने वाला अवस्था के कमी है गीत मनोरंजन की चीज सब में एगो ऑर्केस्ट्रा लिया तो हजारों के भीड़ लग गया लेकिन वैचारिक बहस करियो तो 10 गोरा 20 गोरा 50 गोरा नपुगी से लेकिन एक अर्थ हम अहाँ छोड़ देवे से बात तो ना सब FM में बैठ के वैचारिक बहस करियो निरंतर खबरदारी करियो है ना समाज रूपांतरण तो अही तरीका से होते ना हमारा अहाँ के सपोर्ट कर विज्ञान के नियम युवा के जी सब मिलके करे पड़े सब मिलके करे पड़े हर एक ठाव के युवा अगड़ी बढ़े पत्रकार मीडिया में चिचाइत रह जाते लेकिन विकास परिवर्तनशील कभी नहीं पत्रकारों तो युवा अही समाज के छे ना ई पत्रकारिता से जनचेतना जागृत करे के एक दायित्व में छे अहाँ दोसर तुलनात्मक हिसाब से बेसी कर सके छे ई दायित्व संगसंगे सामाजिक दायित्व में विभिन्न चुनौती के अवरोध के चिरित अगाड़ी बढ़े पड़े छोड़ देवी तब तो और न होते समाज विकास के नियम मतलब इवोल्यूशन आ रिवोल्यूशन कहे छे ऑटोमेटिक विकास होते आइ जे है तैसे बढ़िया बिहान होते बिहान से परसू बढ़िया होते लेकिन उ कहके न होते ये तो रिवोल्यूशन लावे के क्रांति करे के हर एक चीज में क्रांति शिक्षा में क्रांति स्वास्थ्य में क्रांति मतलब विकास में क्रांति सोच में क्रांति परिवर्तन अपने शिक्षा के कनका फिर छोड़ दिलूँ शिक्षा के बाद हम अपने अलाउ ठेने छोड़ू कि जे शिक्षा में शिक्षक राजनीतिक भऽ रहल छै एक स्थानीय सरकार चाहे तो शोषण कर सकै छै नहीं कर सकै छै अपन दायित्व अहाँ कौन एकटा इसकुल में जना कि एकटा अपने देखित होबे यदि प्रशासन में पुलिस के जागीर देखित होबे 6 महीना से बेसी एक ठाम नहीं रह पबै छी ओकरा सबके संगठन राजनीतिक तरफ नहि जाइ छी ओकरा सबके देश के वफादार बनाबे के प्रयास में रहै छी राज्य तेना यदि शिक्षक के 1 साल 2 साल 3 साल पे यदि ओकरा ठाउँ के परिवर्तन कयल जाए कर्मचारी के निरंजन जी अच्छा शिक्षक के राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबके यदि अहाँ मनोबल गिरा के काम कराबे चाहबे तो काम बढ़िया न हो एक शिक्षक जेकर तलब 20-25 हजार 30 हजार जे है परिवार पाले में धौधौ के अवस्था में अहाँ से डडेल धुरा पठा देवे चाहे दारचूला पठा देवे मतलब परिवार से 6 महीना 1 वर्ष भेटे के अवस्था न बनते आवत जावत में खर्च होते तो उ शिक्षक मतलब की राज्य के योगदान करते वैसे बढ़िया है कि जै गांव में अहाँ पढ़ ली हमर एक तर्क की हब कि कम से कम अहाँ जै गांव के छी जै समाज के छी तही समाज के बच्चा के पढ़ावे के लागि तो और बेसी जिम्मेवार हो पड़े शिक्षक जे छी नैतिक हिसाब से ये हमर दायित्व है हमर गांव में शिक्षक के बच्चा ओई सार्वजनिक विद्यालय में नहीं पढ़ी छी अइ के लागि मतलब जेकरा अपने स्वयं विश्वास न है जे कि हम बढ़िया पढ़ा सके छी तो उ दोसर बच्चा के केना केना पढ़ते तो अइ वातावरण देशे भर में अइ के अंत्य करे पड़ते दोसर बात ई जे पुलिस जेखा सरुआ कह लिए ई अइ लागि नहि राज्य कैले कि कम से कम अहाँ जै समुदाय के छी वही यदि अहाँ के जिम्मेवारी हब तो वही समुदाय प्रति और जिम्मेवार होके काम करो न कि वही समुदाय के बच्चा प्रति अहाँ गैर जिम्मेवार हो जाओ तो मतलब अहाँ हम अहाँ जै गाँव के छी वही गाँव के विकास के लागि जते चिंतित हम अहाँ होबे शायद दोसर गाँव में जब तो कनिका फरक पड़ जाते कि तो ते के चलते उल्टा प्रभाव पड़ रहा है अइ के भी सुधारे पड़ते हर एक के दायित्व बोध कराए पड़ते हर एक के नैतिक शिक्षा लेकिन हमरा लग रहल छ कि सब सुधार के लेल सार्वजनिक सुनवाई हर एक निकाय सेक्टर में सार्वजनिक सुनवाई भी जरूरी है सार्वजनिक बहस जरूरी है सार्वजनिक दबाव जरूरी है
युवा सब रात दिन से सक्रिय हो पड़े वाच डॉग कहे ना खबरदारी करे वाला शक्ति के रूप हम सब अंत में छी अंत में अपने कनिका जोड़ला चाहब अपने के और ही नगरपालिका के भीतर और ही बाजार से कुछ ही दूर में एक ऐसा धरोहर छे जे सैकड़ों हजारों व्यक्ति अपन प्यास मिटबी छे जे और ही स्कूल लग एक बोर्डिंग छे अपने के बहुत पानी में बेस्ट माने बहुत निक पानी छे जे हजारों व्यक्ति ओठा अपन प्यास बुझे वो बंद भे गई कोनो निकाय के ओहि प्रति चांसो नहीं छे अपने एकटा संस्थागत में जुड़ल छी युवा छी भी राजनीतिक अभियंता भी छी सामाजिक अभियंता भी कर रहल छी की करना चाहिए अब ये पहले एउटा वैदेशिक अति सहयोग से प्राप्त रहे ऊ एउटा चाहिँ वास्तव में जिले भर में दू चार ठाउँ में रहे आ ऊ समाप्त भए गेला के बाद सिंचाई के क्षेत्र में तो तुलनात्मक हिसाब से हरेक के घर घर में कल तेकरा बाद खेत खेत में बोर्डिंग ये अवस्था तो चल आयल है तेकरा बादो जे ये कमी है तो यह और मतलब जनप्रतिनिधि सब जवाबदेही होके मतलब कम से कम कृषि सड़क विद्युतीकरण तेकरा बाद सिंचाई के उचित प्रबंध जे कि किसान के हित में हम समग्र में ये कहे चाहब कि हर एक क्षेत्र सुधार करे वाला है कोनो क्षेत्र में अहाँ संतुष्ट अपने की वही के लगातार एक और जोड़ा चाहब जैसे अपने सब हम वहाँ सब सुनी छी गढ़ी माई मेला जी ओठम वर्षों में पाँच वर्ष में हजारों लाखों उद्योगी सब ओठाम के नागरिक सब उद्योग के एक पर्यटक के क्षेत्र के रूप में किछ इनकम अर्जन कुछ क लै छै तेना नेपाल के एक धरोहर के रूप में सोनामाई मंदिर के मानल जाइ छै जी ओकर विकास पूरे अथा अवस्था में रह गेलै विकास नहीं भेलै किया आ की करबा के चाहिए विकास ओकर भर्खरे प्रदेश सरकार से हमरा जे सुने में आयल डीपीआर करे के लागि एगो टीम आयल रहले कम से कम जते है अ सभ्य के संरक्षण करे पड़ते समग्र में हम ये कहब विषय वस्तु एखनगो से बेसी हमरा अहाँ के मठ मंदिर है हमरा अहाँ के शिक्षण संस्था है हमरा अहाँ के स्वास्थ्य है हमरा अहाँ के किसान है व्यापारी है सभ्य के विकास के लागि योजनाबद्ध तरीका से मतलब एक वर्ष में की होते पाँच वर्ष में की होते दस वर्ष में की होते गुरु योजना बना के अगाड़ी बढ़े पड़ते यदि उ संबंधित निकाय न करे तो खबरदारी करे पड़ते दबाव सृजना करे पड़ते अहाँ जो कहलिए कते दिन संघर्ष करब निरंतर जीवन संघर्ष है आजीवन जावे तक जीवित छी अस्तित्व में छी ई भौतिक शरीर है ताले तक हम आके छी भौतिक शरीर जब तक तब तक संघर्षशील हम अहाँ करबै लेकिन एकटा उदाहरण के रूप में लेल जाओ जे विपन्न परिवार के दलित समुदाय से एकटा जे विलंब कर रहल छै ओ सब संघर्षशील नहीं बन सकै छै ओकरा सबके संघर्षशील के लागि परिवर्तन होनाई जरूरी छै संघर्ष क्रांति में अपने के एक बात हम कहते हमेशा संघर्ष में रख देवे ना शिक्षा से वंचित भ रहल है स्वास्थ्य से वंचित भ रहल है तई के चलते तो संग उ वर्ग आरो संघर्ष करे पड़ले कहे छी जे गरीब है से केना संघर्ष करते आई तक के विश्व क्रांति में की है जे गरीब है से संघर्ष करे छी जे मजदूर है से संघर्ष करे छी कारण परिवर्तन नहीं भ रहल जी ना गुमावे के लागि आ बाकी की रह गेल हाजुर एकटा कहै छै चाहिँ जंजीर से बधायल सांगलो बाहेक अहाँ जोड़े घुमाबे के लागि किछु न हब ऐसे दस साल पहले हम सुनी छली कि जन के यदि आवश्यकता छै खेत में काम करे के लेल जलादारी में यदि लेबर के आवश्यकता छै त चेपकट फुलबरिया चल रहे अखनो आदमी ओहे कम्युनिस्ट सब अहाँ के एकटा आंदोलन के परिवर्तन किया नहीं बढ़ल हम कहि रहल छी जी रे नहीं जी कहो आंदोलन भेल रहै मधेश में एक बार मतलब इतिहास अहाँ अथी करबे कम्युनिस्ट सबके विशेष करके सक्रियता में जे मजदूर है तेकरा रे न कहू जी कहू सम्मान करू रे नहीं जी कहो आंदोलन रहे तेकरा बाद मतलब किसान आंदोलन सब भी भेल हम अलग कहै छी जे कि श्रमिक जोड़े गुमावे गरीब जनता जोड़े गुमावे के लागि अपन मतलब बांधिए को सिकरी बाहे कहै छी किछो न होइ छै कि आ जीते के लागि सारा संसार रहै छै अहाँ एते अवस्था में छी न अहाँ के बच्चा के शिक्षा हब न अहाँ के रोजगारी हब न अहाँ के रह के लागि आवास के व्यवस्था हब न खाए के लागि घास के व्यवस्था हब जब किछो न हब अहाँ जोड़े तब संघर्ष के लागि डराइ छै आप मजदूर सबके किसान सबके जे सब कुछ अहाँ के हाथ से सत्ता अहाँ से बाहर हब स्रोत साधन अहाँ से बाहर हब अहाँ के नाम पर एक कट्ठा लाल पुर्जा न हब जगह न हब तब अहाँ के और मतलब क्रांति में जो पूंजीपति जो जरूरी वर्ग जो होइ छै अपने के हम निरंजन जी कहे चाहे छी जे सुविधा संपन्न वर्ग है पूंजीपति वर्ग है ओकरा क्रांति के जरूरी है परिवर्तन के जरूरी है आवश्यकता न है कला लड़ते संघर्ष करते मध्यम वर्गीय जे है से मतलब ओते जागरूक न है कहियो मतलब करे छै कहियो न करे छै एकटा बहुत विनम्र वाला बात लगी जब
संघर्ष के बात अपने कहूँ तो संघर्ष में युवा सब हो या अभियंता में जुड़ल नागरिक हो चाहे राजनीतिक कर्मी हो मंच पर भाषण करी छे या हरेक टोल में जाके अपन प्रतिबद्धता जनाबी छे कि हरेक दलित बस्ती के हम अगाड़ी करबे परिवर्तन करबे लेकिन वही दलित बस्ती के ध्यान आकर्षण करनाए बंद कर दी छै अखन जनावास के ही उदाहरण ले जाओ तो सबके रोड पला के धर दिले जनावास के नाम पर घर बना देबू कह के लेकिन वही घर के 6 महीना से बेसी एहन बरसात में तिरपाल टांग के रहे वाला अवस्था बना दिल्क जनप्रतिनिधि सब जनावास के नाम पर पैसा की भे गए कहाँ गए घर तोड़ दिल्क घर बना देबू कह के सबके विचलित अवस्था में रख दिले जनता आवास कार्यक्रम विशुद्ध मतलब गरीब जनता दलित उत्पीड़ित जनता जरा मतलब घर न है छानो न है वही अवस्था से मुक्ति केना प्राप्त होते ते हिसाब से माधव नेपाल प्रधानमंत्री जहिया रहे ये कार्यक्रम लागू भेले अब ओय के व्यवस्थित करनाए प्रभावकारी करनाए हमरा अहाँ सभी के दायित्व है घर भत्का दिले लेकिन तहरा न निर्माण कर दिली घर निर्माण न कर दिली आई वर्षा में हावाहुरी में मतलब बाहर खुला आकाश मुनि रह रहा है तो ओ के लागि सभी के सचेत होना है अंतिम विकल्प है अब की कहबे हरेक प्रश्न के एक एकटा जवाब है कि जनता एमे केना कहे छी अहाँ कि सबके सचेत माने युवा के सचेत होना है एमे तो राज्य की कल की अपने की योजना पैर के बजट पठल के एक जनप्रतिनिधि मार्फत की जनावास कार्यक्रम फलाठिया सम्पन्न करे के छी वो जनावास कार्यक्रम में अपने की कैली घर तोड़वा दिली घर के की कैली पिलर खड़ा करवा दिलिये जनता के कहीं उठहरा नहीं बनले जे कारण से तिरपाल जते जनता है जते जनता है जे तिरपाल मुनि है जेकर घर तोड़ दल के अय के जनप्रतिनिधि यदि अहाँ के समय में घर न बनबे से तो वही जनप्रतिनिधि के घर घेराव करे पड़े घर में जाए पड़े जाले तक हमरा सबके जल्दी न बनते अहाँ के घर में रह अहाँ तोड़े लिए अहाँ के निर्माण कर जी पीड़ित है अगुवाई पछुआई जाले तक करबे ना नेतृत्व केकरो नेता मानबे कोनो आके कह देते पीड़ित अहाँ छी अहाँ के अगाड़ी बढ़े पड़े जनता के अगाड़ी बढ़े पड़े संबंधित निकाय के किसान के समस्या है किसान सड़क में आवे पड़े विद्यार्थी के समस्या है विद्यार्थी आवे पड़े जे जरा जहाँ समस्या है ये कहबे कि कोनो कह देते न कह दिल्क गुनासो कैला से मात्र तो न होते राम राज्य है अभी के अवस्था जे कि मतलब सबके गुनासो सुनित रहले एगो चाहिँ कोनो सामान्य जनता कहि देलकै त नेतृत्व राजा जे रहले चाहिँ राम जेखा राजा से मतलब जनता के गुनासो सुनके निर्णय करैत रहले अभीके अवस्था त उ न है अपने त अनेरा सुविधा सेक्टर जुड़ल छियै हरेक सेक्टर में हरेक कमी कमजोरी में विद्यार्थी संगठन अगाड़ी रहै छै ओकरा आवाज अगाड़ी रहै छै अखन जन आवास कार्यक्रम में खुला आकाश में तिरपाल के भीतर रह पड़ रहल छै विपन्न दलित समुदाय सबके प्रति तो अपने सबके अनुरा सुविधा कोनो आवाज कोनो प्रेस विज्ञप्ति नहीं आबि रहल छै कि स्वाभाविक अभी पार्टी भीतर के बात कहलिए तो अभी पूर्व एमएलए अब नेकपा अभी बनल है माओवादी सहित के एकता के कारण से तो संगठन के एकीकरण प्रक्रिया अभी तक टुंगो में नहीं पुगल जिला कमिटी सब बनाबे के क्षेत्रीय कमिटी बनाबे के नगर कमिटी बनाबे के ये सब लथालिंग अवस्था में हमरा सबके पार्टी भीतर के बात कहबे तब जब संगठन न है जिम्मेवारी न है नेतृत्व न है तो नेतृत्व करे के अवस्था तो स्वाभाविक हिसाब से व्यक्तिगत हिसाब से कहुआ हम सब कोनो सामाजिक कार्य में कहुआ चाहे समाज के बनिया हो वाला चीज में हम सब अग्रसरता ले छे लेकिन उ प्रभावकारी न हो रहा है मतलब सभी निकाय तो चाहे न ती के चलते हर एक समस्या के समाधान राजनीतिक समस्या है राजनीतिक नेतृत्व में समस्या है वही के दबाव बाहेक जनचेतना बाहेक जागरूकता बाहेक विकल्प है ना चलो अंत में की कहला चाहिए और ही नगरपालिका समुदाय के लगाए अभियंता में लागल जनचेतना में लागल युवा सबके की सलाह देना चाहिए समाज प्रति सचेत हो आँख खोल के चाहे देखू की हो रहा की कर रहा प्रश्न उठाओ हमर दायित्व नहीं कह के चाहे अहाँ मतलब विमुख हो जाबे तो की करते अहाँ न करबी तो की करते आई न करबी तो कहिया करबे हरेक गाँव के हरेक टोल के युवा के ये चीज सोचना जरूरी है प्रदेश न कहलक संघ न कहलक वड़ा न कहलक नगर न कहलक मात्र न कहियो दायित्व हमर है करवाबे के है यदि भ्रष्टाचार करे छे तो हमर जिम्मेवारी है निडर हो के हमरा पूछे पड़े कि अहाँ जे चढ़े छे से गाड़ी अहाँ जे मतलब लगबे छे से कपड़ा कोनो गरीब किसान के चाहिँ कर से उठल पैसा के भ्रष्टाचार से कर रहा है कहीं के प्रश्न उठाए पड़े ओके लिए विगत के युवा सब की कहल छे बलिदानी दिल्क शहीद गंगालाल युवा रहे ओहन निरंकुशता के विरुद्ध में बलिदानी दिल्क हम अहाँ एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध में न बोले सकबे हमर दायित्व नहीं कह के समाज के जिम्मेवारी से अलग हो जाबे छोटे राजा से डराई छी जनता
तब तो कौन जनता भेल यहाँ, कौन युवा भेल यहाँ, जे मतलब हम अहाँ इतिहास की पढ़ ली स्कूल में जे कि हाँसी हाँसी बलिदानी दिल के एक बेर पूछल कि जे कि तोहर अंतिम इच्छा के हो, तो कहे राणा शासन समाप्ति हमारे अंतिम इच्छा हो, वही के लिए चाहे शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथेमा लगायत के मतलब गोली खलक हमारा अहाँ के तो आई गोली मारे वाला अवस्था न सब मतलब पढ़े दे हमरा नहीं छै कल के दिन में मधेश आंदोलन में ऐसा बहुत ऐसा घर छै जो टूटो भ गेल छै केना कहै छी गोली खाय वाला अवस्था नहीं छै मधेश आंदोलन में तो भेल छै परिवर्तन कहू विश्व के परिवर्तन कहू बिना बलिदानी से न हेबल यदि हमरा सन युवा सब के अहाँ सन युवा सब के ई समाज ई राष्ट्र यदि बलिदानी मांगे छै तो देबे के लागि तैयार होय पड़तै दास्ता के जिंदगी मतलब अविकास की जिंदगी से बढ़िया है कि समाज परिवर्तन के लिए घर परिवार बलिदान ददल के जे घर परिवार की मुख्य एक रूप में काज करे वाला व्यक्ति बलिदान ददल के घर परिवार आई विचलित अवस्था में छै ओकर निगरानी के करते राज्य करते या उपजई अभियंता के लेल न कहलिए राज्य यदि राम राज्य रहते तब ई समस्या नहीं रहते हरेक जनता के गुनासा पीड़ा सब संबोधन होते लेकिन नेतृत्व जो है शासक जो है जिम्मेवार न है जनता प्रति उत्तरदायी न है तो की करबै बलिदानी छोड़ देवे परिवर्तन के लिए संघर्ष छोड़ देवे जेते वो स्वयं युवा के फेनो चाहे बलिदानी देवे पड़ते अग्रमोर्चा में अगड़ी आए पड़े। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने समय दिनों विचार रख दिनों किस अभियंता में अपने युवा छी जुड़ल छी देखे बहुत बहुत धन्यवाद अपने जी निरंजन जी लगायत रेडियो जुनतारा गौशाला सिंगो परिवार के आई हम अपन अवसर विचार राखे के अवसर प्रदान के लिए के लागी चाहिँ हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करे चाहे छे संपूर्ण श्रोता सब में भी चाहे हमर विचार से असहमत हो सके छे लेकिन कम से कम समाज के अगाड़ी बढ़ावे के लागी सब एकजुट हो जे विकृति विसंगति है ते सबके अंत्य करे के लागी संघर्ष करूँ से आग्रह अनुरोध करित युवा सबके विशेष करके सक्रिय भूमिका निर्वाह करे के लागी अपना ठाउँ से मतलब एकजुट होके अगाड़ी बढ़ू से आग्रह करित पुनः अपने के धन्यवाद दी विदा होइ छी धन्यवाद नमस्कार। हम सब कार्यक्रम के अंत अंत में छी अंत में प्राविधिक मित्र जी के धन्यवाद दैत हम निरंजन जवा के आगे जाय छी नमस्कार सुनित रेडियो जून तारा 103.4 मेगाहर्ट्ज। You know, yeah.